Hey guys, welcome to Scratch DJ Academy. This is DJ Su and welcome to another episode. Well, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा important things to check in your console at the time of sound check. Sound check के टाइम पे जिन जिन चीज़ों को आपको आपके कॉन्सोल में चेक करना है, आज मैं उस चेकलिस्ट के बारे में बात करूँगा. इस चेकलिस्ट को ज़रूर ध्यान से एंड तक सुनिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गिग में. जब आप साउंड चेक के लिए जाएंगे और अपने इक्विपमेंट को चेक करेंगे, इन मेजर्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वेल, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा आपकी वायर्स की, कि आपकी जो वायर्स हैं वो सब प्रॉपरली कनेक्टेड होनी चाहिए. ध्यान से देखिए कि कोई भी वायर के अंदर किसी भी तरह का टेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ऑडियो क्वालिटी को लॉस दे सकता है. उसके बाद हम बात करेंगे आपके मॉनिटर प्लेसमेंट के बारे में. आपको आपका मॉनिटर प्लेसमेंट और मॉनिटर का साउंड चेक ज़रूर करना है. क्यों? क्योंकि आप कौन से कान में अपना हेडफोन यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए और आप कौन से में चेक करते हैं अपना क्यू, उसके हिसाब से ही आप अपना मॉनिटर प्लेस करिए. और आप उसकी साउंड क्वालिटी को ज़रूर चेक कर लीजिएगा. क्यों? क्योंकि जब आपका मेन आउटपुट ऑन होगा उस टाइम पर वो मॉनिटर आपको सफिशेंट मॉनिटरिंग दे, ये बहुत ज़रूरी है. उसके बाद हम बात करेंगे आपके CDJs में. तो मेक श्योर कि आपके CDJs में जो भी बटन्स आपने यूज़ करने हैं, चाहे वो हॉट क्यूज़ हो चाहे वो लूप्स हो, वो आपके सब ठीक से चल रहे हों. एंड स्पेशली आप क्यू एंड प्ले बटन को बार बार चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है. उसके बाद डू नॉट फॉरगेट टू चेक द ऑटो क्यू, मास्टर टेम्पो एंड मास्टर टेम्पो रेंज अलॉन्ग विद द वाइनल बटन, क्योंकि इनमें से कोई भी अगर फीचर ऑफ या ऑन है वो आपके सेट को हैम्पर कर सकता है. इसके बाद हम आएंगे अपने मिक्सर पे. एंश्योर कि आपका क्रॉसफेडर ऑफ हो. अगर आपने क्रॉसफेडर को यूज करना है तो भी आप अपने क्रॉसफेडर को ऑफ रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका क्रॉसफेडर ऑन है थ्रू पे नहीं है तो आप एनर्जी में या मूवमेंट ऑफ हैंड्स के साथ अगर आपका क्रॉसफेडर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है तो वो एकदम से म्यूजिक को बंद कर देगा, जो कि थोड़ा एब्रप्ट लगेगा आपकी ऑडियंस को और एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा आपके बारे में. उसके बाद गाइस, जो इफेक्ट्स का बटन है, इफेक्ट्स के नॉब में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितने इफेक्ट्स के बटन में होती है, क्योंकि कई बार जो डीजेस आते हैं उनको बहुत ज़ोर से टैप करते हैं और जो बटन होता है स्पेशली इफेक्ट्स का, वो ख़राब हो जाता है. तो मेक श्योर कि आपका वो बटन स्मूद हो, और अगर आपका बटन हार्ड है तो आपको पता होगा कि आपको इफेक्ट के टाइम पर उसको कितनी ज़ोर से प्रेस करना है. इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका मास्टर आउटपुट जा रहा है, जो आपके इंडिविजुअल चैनल्स का आउटपुट जा रहा है, वो रेड लाइट पे ना पहुंचे. कोशिश कीजिए वो इवन ऑरेंज लाइट पे भी ना पहुंचे, वो ग्रीन लेवल्स में रहे. क्यों? क्योंकि उससे आपकी जो मेन साउंड होगी उस पर कम स्ट्रेस जाएगा और आपकी ऑडियो क्लैरिटी बेटर आएगी. आपका माइक्रोफोन, मेक श्योर योर माइक्रोफोन इज कनेक्टेड, इट्स वर्किंग प्रॉपरली, आपकी ऑडियो उसमें अच्छी आ रही है. और इसी के साथ डो नॉट फॉरगेट टू चेक द फीडबैक्स, क्योंकि फीडबैक क्या होता है, वो विसल की एक साउंड होती है जो आपकी बाहर की साउंड जब माइक कैच करता है वो तब आती है. तो मेक श्योर कि आपका माइक विसल ना करे, आपका माइक फीडबैक ना दे. इसके लिए अगर वो दे रहा हो तो आपका जो हाई और लो होता है, जो आपकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी दी हुई आपके माइक्रोफोन में, आप उसको थोड़ा कम करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी. और गाइज, इसी के साथ जो आपकी इंपॉर्टेंट वायर्स हैं, आप प्लीज़ जो बैकअप वायर्स हैं आप उनको अपने साथ कनेक्टेड रखिए या हैंडी रखिए. ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम आए, कोई टेक्निकल इशू हो और आप इधर उधर उनको ढूंढने के लिए भाग रहे हो. अपनी टेबल पे उन सबको हैंडी रखिए. अपनी बैकअप USBs या एक्स्ट्रा पेन ड्राइव्स को भी अपने पास हैंडी रखिए एंड मेक श्योर दैट यू हैव एक्सेस टू देम ऑल द टाइम्स. वेल गाइज, ये मेरी तरफ से थोड़ी सी टिप्स थी आपको साउंड चेक करने के लिए, ताकि आपका साउंड चेक और आपकी अगली परफॉर्मेंस स्मूथ जाए. एंड आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यंग एमेच्योर डीजे से इसको शेयर कीजिए और हमारे को बताते रहिए कि आपको और किस चीज़ के बारे में अगला कंटेंट चाहिए. वेल, दिस इज डीजे सू साइनिंग ऑफ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो.